सेल्फ ज्वाइन जो होता है वो विद इन अ टेबल दो फील्ड में होगा। मान लिया स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है। अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड में एक साइड एनरोलमेंट का नंबर है, अगला फील्ड नेम है, और दूसरे साइड उसका क्लास मॉनिटर या प्रिफेक्ट। अब प्रिफेक्ट में क्या लिखा हुआ रहेगा, एनरोलमेंट नंबर ही तो लिखा हुआ रहेगा। हमें ये पता करना है कि किस किस स्टूडेंट का मॉनिटर कौन है। हो सकता है तो क्लास बहुत बड़ी हो, है ना, तो 10 स्टूडेंट का कोई और मॉनिटर हो, 10 स्टूडेंट का कोई और मॉनिटर हो, 10 स्टूडेंट का कोई और मॉनिटर हो, या टीम हेड कह सकते हो या ग्रुप हेड कह सकते हो, ठीक है। वैसे मान लिया इम्प्लॉय है, इम्प्लॉय टेबल है, इम्प्लॉय नंबर है, इम्प्लॉय नेम है, और जितने इम्प्लॉयज हैं उनका मैनेजर अलग अलग है ना। तो होगा क्या, इम्प्लॉय नंबर में इम्प्लॉय नंबर लिख दिया, इम्प्लॉय नेम सबका लिखा हुआ है, इसका है कौन, ये वाला ए का सीएम मैनेजर, ठीक है, बी का ई ए मैनेजर, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ टेबल में आकर के थोड़ी ना हम देखेंगे कि किस इम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, तो उसके लिए क्वेरी चलानी है कि किस इम्प्लॉय का मैनेजर कौन है। तो अब एक ही टेबल से दो फील्ड को लेकर के आप कैसे निकालोगे डेटा, क्वेरी कैसे करोगे। तो टेक्निकली हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक टेबल को वर्चुअली दो टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइन हमेशा दो टेबल में होता है। किसमें होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐसा स्क्वेर लिखना पड़ेगा, जब लिखेंगे सेलेक्ट, है ना, तो जो भी देखना है, क्या देखना है, नाम देखना है, नाम ही तो देखना है कि इसका ये है, इसका ये है, नाम इस तरह से आउटपुट चाहिए। जिधर एम्प्लॉय का नाम आ जाए उनके आगे इस तरह मैनेजर का नाम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों बार यहाँ ले लेंगे नाम, ठीक है, लेकिन दो बार नाम आएगा इस तरह से। एक जो टेबल है हमारा उसको एक तो वी बोल दिया वर्चुअल एम्प्लॉय, और दूसरा वर्चुअल मैनेजर करके दो टेबल बना दिया, है ना। कैसे बनाएंगे, तो फ्रॉम एम्प्लॉय एज वीई और एम्प्लॉय एज वीएम। तो एम्प्लॉय टेबल था उसका वर्चुअली दो टेबल बना दिया अपन ने, क्या करा, वर्चुअली दो टेबल बना दिया, दोनों से नाम था लेंगे। अब रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो ये वाला जाकर के इधर से मैच होगा फिर ये उठाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजर आईडी, वेयर मैनेजर आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय नंबर। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, वेयर, है ना, या वर्चुअल, ये जो हमारा मैनेजर था वो एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू वर्चुअल मैनेजर आईडी, जहां पे मैच होगा क्या उठा लेगा उसका नाम। क्लियर है, चलो करके देखो, ये टेबल बनाओ पहले करो। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन क्या है, ज्वाइन इटसेल्फ अ टेबल बिटवीन टू फील्ड, है ना, एक ही टेबल में दो फील्ड के बीच में ज्वाइन करना, रिलेशनशिप दिखाना, और फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट डेटा निकालना, उसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। ये नाम कुछ भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय वाल जो एम्प्लॉय है ओके वो वर्चुअली प्रॉक्सी एक, है ना, टेबल बनेगा, एक प्रॉक्सी टेबल बनेगा, वर्चुअल टेबल बनेगा, ठीक है। एम्प्लॉय का ही रिकॉर्ड इसमें कॉपी हो जाएगा और एम्प्लॉय का ही रिकॉर्ड इसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यानी वर्चुअली दोनों जो ये टेबल बन रहे हैं ना, अलियाजिंग कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय को ही रेफरेंस करेंगे, मतलब दोनों में एम्प्लॉय वाला ही कॉपी हो जाएगा डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लॉजिकली दो टेबल हो गए एम्प्लॉय वाला ही, है ना। तो अब फिर इसमें रिलेशन कर दिया कि वीएम का एम्प्लॉय नंबर जाके मैच होगा वी के एमजीआर आईडी से, आगे मतलब फिर सेल्स को और उसका फिर प्रॉब्लम नाम उठाएगा। तो यहाँ पे लिख रखा है ये वर्चुअल एम्प्लॉय से नाम उठाओ एज ए एम्प्लॉयर, वर्चुअल मैनेजर से नाम उठा लो एज ए मैनेजर।
चलो करो। आगे कंस्टेंट्स है ना, कंस्टेंट्स का आता है सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स है ना। अपने की वगैरह पढ़ा था ना, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, वही सब काम आएगा। तो अभी तक क्या होता था, डेटा कुछ भी डाल दो ले लेता था। अब ऐसे नहीं होगा, डेटा में हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कंस्टेंट्स। फर्स्ट होता है प्राइमरी की कंस्टेंट्स। प्राइमरी की लगाने से क्या क्या होगा, आप डेटा को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, डेटा को डुप्लीकेट नहीं डाल सकते, और ऑटो इंडेक्सिंग हो जाएगा। मतलब जिस फील्ड को प्राइमरी की बनाओगे ब्लैंक नहीं छोड़ना है, डुप्लीकेट नहीं दे डालना है, और उसको यूज करके जब सर्च करोगे ना तो सर्चिंग फास्ट होगी, क्योंकि क्या हो जा रहा है, ऑटो इंडेक्सिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑटो इंडेक्सिंग हो जा रही है। ठीक है, सिंटेक्स क्या होगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, फील्ड का नाम, डेटा टाइप, फिर प्राइमरी की। समझ आया, क्लियर है यहाँ तक? तो उसमें क्या बन जाएगा, प्राइमरी की। अब वैल्यू डाल के देखना, डुप्लीकेट भी नहीं लेगा और ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते एम्प्लॉय नंबर को, ठीक है ना। दूसरा तरीका ऐसे है, एक तो तरीका ये हो गया, यहीं पे लिख दिया स्पेस दे करके, तो इसमें कंस्टेंट का नाम अपने आप ले लेगा। दूसरा तरीका ये है कि तुम अलग से नाम भी दे, क्योंकि जो कंस्टेंट का नाम हम देते हैं ना, प्राइमरी की वगैरह, वो जाके सेव भी होता है अंदर मेमोरी में, माई स्कूल में। हम चाहते हैं कि खुद से उसका नाम दें, तो ऐसे यूज करना पड़ेगा, यहाँ कॉमा दे करके, कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम ABCD कुछ भी, फिर प्राइमरी की, और किस पे अप्लाई करना है तो दोबारा लिखना पड़ेगा फील्ड का नाम। समझ आया? तो यहाँ पे जो कंस्टेंट का नाम इम्प्लिसिट होगा अपने आप ले लेगा, और यहाँ पे एक्सप्लिसिट आप अलग से कंस्टेंट का नाम दे रहे हो, ठीक है ना। ये दो तरीका है। इन केस आपके पास टेबल बन चुका है, बाद में कंस्टेंट लगाना है, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्टेंट, कंस्टेंट का नाम, प्राइमरी की, फील्ड का नाम। कंस्टेंट हटाना हो तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप, फिर कंस्टेंट। समझ में आया? ये होगा प्राइमरी की का खेल। दूसरा यूनिक, अगला है यूनिक कंस्टेंट। जैसे ईमेल डुप्लीकेट नहीं डालना चाहिए, तो वहां पे यूनिक लगा देंगे। यूनिक जो है वो डुप्लीकेट डालने से मना करेगा। क्रिएट टेबल ना, टेबल का नाम, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, प्राइमरी की, नेम, ईमेल, वेरचार, फिर यूनिक। ईमेल डुप्लीकेट नहीं डालने देगा। या फिर ऐसे लिख सकते हो, एक्सप्लिसिटली नाम देना है तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कंस्टेंट, इम्प्लॉय, प्राइमरी की, इम्प्लॉय नंबर, इम्प्लॉय नेम, ईमेल, फिर यहाँ कंस्टेंट कॉमा दे करके, फिर नाम, फिर यूनिक, फिर ईमेल अलग से। वही ऑल्टर करना है तो अलग से ऐड करके यूनिक, फिर टेबल का। अगला है नॉट नल। जिस फील्ड में नॉट नल लगाएंगे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, जैसे नाम, ब्लैंक नहीं छोड़ना है तो है ना, अपन क्या करेंगे, वही यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट टेबल, और यहाँ पे ये जो इन यहाँ ये नेम है ना, इसी के जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे नॉट नल। यहाँ लिख रखा है कहीं, देखो ऐसे लिख रखा है, सब्जेक्ट नॉट नल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो नाम नॉट नल, ठीक है ना, क्लियर है। अगला है चेक, यानी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे सैलरी जो है वो हमें 18,000 से नीचे नहीं डालना है, ठीक है, इसमें ऐसे करके कंडीशन डाल सकते हो। सैलरी इंटीजर, चेक,
सैलरी ग्रेटर देन 18,000, सैलरी 18,000 से ऊपर ही होगा, ऐसे लगा सकते हैं। फॉरेन की का मतलब होता है एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल पर डिपेंड करेगा, हमें ऐसा रिस्ट्रिक्ट करना है कि वही स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है जो एनरोल्ड है। तो एग्जाम वाले टेबल में वही एनरोलमेंट नंबर डलेगा जो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। क्या करना पड़ेगा, तो स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर से हमें फॉरेन की बनाना पड़ेगा, किसमें, एग्जाम वाले एनरोलमेंट नंबर में। तो फॉरेन की कैसे बनाएंगे, फॉरेन की का मतलब रेफरेंस की होता है, ठीक है, दूसरे टेबल के प्राइमरी की से। तो जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट टेबल एग्जाम बनाया, ठीक है, एक एग्जाम टेबल यहाँ पे, तो स्टूडेंट टेबल क्रिएट होना चाहिए, उसमें एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, तब एग्जाम टेबल बना रहे हैं, सीरियल नंबर प्राइमरी की है ना, अभी एम्प्लॉय डिटेल गया है, फिर फॉरेन की। अब ये जो एग्जाम है, मान लिया एम्प्लॉय का एग्जाम ले रहे हैं, एम्प्लॉय लोगों का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, प्रमोशन वगैरह के लिए मान लिया, तो एग्जाम सीरियल नंबर प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी, फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी है ना, से फॉरेन की रेफरेंसेस, ये एम्प्लॉय आईडी किसका आ रहा है, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी से, तो एग्जाम का एम्प्लॉय आईडी बन रहा है, इसका फॉरेन की बना रहे हैं, मतलब ये जो एग्जाम में एम्प्लॉय आईडी है ये फॉरेन की बना रहे हैं, किसका रेफरेंस में दे रहे हैं, एम्प्लॉय के एम्प्लॉय आईडी से। मतलब ये हुआ कि एग्जाम के एम्प्लॉय आईडी में जो डेटा डलेगा वही डेटा होना चाहिए जो एम्प्लॉय वाले एम्प्लॉय आईडी में है, दूसरा लेगा ही नहीं। उसका सिंटेक्स ये होता है, फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी ऑफ एग्जाम टेबल, इसमें डेटा वही होगा रेफरेंसेस, किसका, एम्प्लॉय वाले एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड, ऐसे बनाते हैं फॉरेन के। समझाए कहानी, बताओ। हाँ, फॉरेन के होने के लिए प्राइमरी की दूसरे टेबल में होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, उसी का रेफरेंस यानी फॉरेन की बना रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी किसमें, एग्जाम में, ठीक है। हाँ, बाकी चीजें जैसे है अब ऐसे ही है, क्लियर है, चलो इतना करके देखो।